नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह द्वारा डेरा सच्चा सौदा के चीफ की तुलना सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी से करने पर सिख समाज ने जताया रोष, चुनाव अधिकारी को दी शिकायत। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस पर फतेहाबाद के टोहाना में डेरा के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, जिसमें निशान सिंह ने कहा कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के साथ तुलना करते हुए बोला कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने यात्राएं झेली, चाहे जेल में हो, उनका मकसद मानव भलाई का ही रहा, वैसे ही डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम जी आज जेल में ड्यूटी किसी सुधार कार्य के लिए लगी होगी। डेरा चीफ को जेल में सरकार की साजिशों के कारण जाना पड़ा। सिख संगठनों ने बैठक बुला करके निशान सिंह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर स्वर्ण सिंह ने मामले को लेकर के निशान सिंह के खिलाफ चुनाव अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सिख संत दादूवाल ने कहा कि निशान सिंह के बयान से हम सभी निंदा करते हैं और सिख पंथ से निशान सिंह का बहिष्कार करना ही ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि निशान सिंह द्वारा बलात्कारी, कातिल और डेरा चीफ की तुलना श्री गुरु गोविंद सिंह जी से करना सिख पंथ का अपमान है। वहीं दादूवाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों और प्रतिनिधियों की बायकॉट का आह्वान किया गया है जो डेरा सच्चा सौदा में जाकर वोट मांगते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सरदार निशान सिंह की उस वीडियो वायरल जो हुई है, उसमें निशान सिंह की घोर निंदा करता हूँ, जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की तुलना डेरा चीफ, व्रतकारी, कातिल जो जेल में सजा याफ्त है, उसके साथ तुलना की है गुरु गोविंद सिंह जी की। निशान सिंह की इस वीडियो जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी सुनूर सिख जथेबंदियां घोर निंदा करती हैं और सरदार निशान सिंह का पूर्ण तौर पर बायकॉट किया जाएगा। पर देखने में आ रहा है कि समाज विरोधी डेरिया दे विच जाके उन्हां दा गुणगान करके जिस तरह कई पार्टियां दे आगू कर रहे हैं, यदि मैं सच शब्दा च निखेधी करदा, जिस तरह एक वीडियो वायरल हुई है निशान सिंह टोहाना जो प्रदेश प्रधान है जन नायक जनता पार्टी हरियाणा दा, डेरा झूठा सौदा सरसा दे विच जाके जिस तरह वो पखंडी कातल गुरमीत राम रहीम दा गुणगान कीता उन्हें, और उस पखंडी जिहड़ा अज सुनारिया रोहतक जेल विच अपने कीते कुकर्मां दी सजा भुगत रहा, अपनियां पैरोकार साधवियां दे नाल जो कुकर्म कीते 10-10 साल दी सजा, 20 साल एक पूरा सच अखबार दे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति दे कतल दे विच उम्र कैद भुगत रहा, ते दो मुकदमे मुख अपने पैरोकारां नूं नपुंसक बनाउण दा, रणजीत सिंह खानपुर कोलिया दा कतल करन दा मुकदमा जिहड़ा सुनवाई अधीन अदालत विच जिहदा फैसला आउणा बाकी आ, जिहड़ा इहो जे कुकर्मां दी सजा भुगत रिहा उहदा गुणगान कीता निशान सिंह टोहाना ने चंद वोटां दी खातर डेरा झूठा सौदा सरसा जा के। उहने इह वी कहा कि मैं डेरे दा भगत आ, निशान सिंह प्रेमी मैनूं कहा करो, सानू कोई इतराज नहीं है, वो निशान सिंह प्रेमी कहावे इंसा कहावे, पर उहदी मानसिकता ते मैनूं तरस आउंदा कि जिस तरह उहने सरबंस दानी, पुत्रां दे दानी, अमृत दे दाते, महान युग पुरश धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ते होर संतां भगतां दे नाल तुलना कीती उस पखंडी गुरमीत राम रहीम दी, सियाणियां दा कहना अखाण साडे पंजाब दा कि किथे राजा भोज, किथे गंगू तेली, किथे ओ सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते किथे ओ पखंडी कतलां कुकर्मां च घिरिया अज जेल दीआं सलाखां पिछे चक्की पी रिहा, उहदी तुलना कीती गई। मैं इहदी सख्त शब्दां च निखेधी करदा, सरासर गलत आ। निशान सिंह टोहाणा नूं पूरे इंसाफ पसंद लोकां कोलों मुआफी मंगणी चाहीदी आ। सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बोधी, जैनी, किसी नूं वी चाहीदा कि सारिआं नूं चाहीदा कि कोई भी इहनूं निशान सिंह टोहाणा नूं मूंह ना लावे, इहदा बाइकाट कीता जावे। जिहड़े डेरे अज बंद होने चाहीदे सी, जिन्हां डेरिआं च समाज विरोधी गतिविधियां हुंदियां ने, देश विरोधी गतिविधियां हुंदियां, 40 दे करीब पंचकूले दे विच लोक मारे गए, सरसे 8-10 दे करीब जिहड़े सी मारे गए उस पखंडी कातल गुरमीत राम रहीम करके,
इहो जे समाज विरोधी डेरे सरकारां नूं बंद करने चाहीदे सी, पर अज उत्थे फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे आ। मैं सारे समाज दे लोगां नूं अपील करूंगा कि जिहड़ा भी कोई भी राजनीतिक पार्टी दा आगू इन्हां दे किसे भी ब्रांच विच किसे भी डेरे विच जावे उहदा पूर्ण तौर ते बाइकाट करिओ। किसे पार्टी दा होवे उहनूं वोट पाउण दी लोड़ नहीं आ, क्योंकि डेरा सरसा श्री अकाल तख्त साहिब तों पंथ चों खारज कीता होया समाज विरोधी गतिविधियां अज सारे संसार दे सामने आ। ते मैं लोगां नूं अपील करूंगा जिहड़े नशे लैके वोटां पा दिंदे आ जां लालच विच पैसियां दे लालच विच आ के वोटां पा दिंदे आ, कोई भी राजनीतिक पार्टी ना नशा वंडे नशे वंडण तों ग्रेज करन ते ना ही कोई नशा लैके वोट पावे। सरमाएदार लोग जिन्हां ने राजभाग कीता वा पैसा इकट्ठा किया वा जिन्हां पार्टियां ने उन्हां नूं बेरोजगारां नूं रुजगार देना चाहिए वा, किसानां दे करजे मुआफ करने चाहिए, फसलां दा मुल पाउणा चाहिए, विकास दे नां ते लोकां तों वोटां मंगणियां चाहीदियां, लालच दे के जां नशे वंड के वोटां नहीं मंगणियां चाहीदियां, ते ना इहो जिहे पखंड दे डेरियां च जाके वोटां मंगणियां चाहीदियां। निर्मल सिंह मलड़ी नूं भी सिख पंथ दे कोलों माफी मंगणी चाहीदी है कि उह डेरे सरसे वोटां दी खातर क्यों गया। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਢਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਖੰਡ